हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम टू माय क्लास। आज की इस क्लास में मैं आपको डिवीजन करना सिखाऊंगी। इसे डिवाइड करना और हिंदी में भाग करना भी कहते हैं। यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल लिए हैं, इसको एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। फर्स्ट है 464 डिवाइडेड बाय 12। ये जो बीच में है ये डिवाइड का सिम्बल है, जैसे एडिशन सब्सट्रैक्शन का होता है उसी तरह से ये डिवाइड का है। एक स्ट्रेट लाइन, ऊपर नीचे एक एक बिंदी, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, 464 है तो यहाँ पे आप इस तरह से ये बनाएंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे 464 और जिस नंबर से डिवाइड करना है आपको उसे यहाँ लिखना है, तो मीन्स आपको यहाँ पे 12 लिखना है। देखिए, अगर आपको डिवाइड करना है तो आपको टेबल लर्न होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 से 9 तक तो जरूरी है, बट 20 तक याद रहे तो ज्यादा बेहतर है। बट अगर नहीं याद है तो आप इसको मल्टीप्लाई के थ्रू भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर 9 तक याद है तो 12, 13, 14 को आप मल्टीप्लाई, अगर आपको आ रहा है तो उसकी मल्टीप्लाई करके आप डिवाइड कर लेंगे। तो ये 2 डिजिट का नंबर है, पहले आपको क्या करना है, ये 2 डिजिट है, 1 एंड 2 है ना 12 में, तो आपको यहाँ के 2 डिजिट को लेके देखना है। अगर ये नंबर आपका जिस नंबर से डिवाइड करें उससे छोटा है तो आपको 3 डिजिट करना होगा, लेकिन अगर बड़ा है तो आपको इसी पे ही डिवाइड करना। तो ये 46 है, ये 12 है, मीन्स ये जो है 46 ज्यादा है। अब आपको टेबल पढ़नी है 12 की, आपको टेबल इस तरह से पढ़ना है कि वो नंबर या तो 46 से कम हो या एग्जैक्ट 46 के बराबर हो, मीन्स ये जो यहाँ पे नंबर उसके बराबर, उससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। तो 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, ठीक है। तो अगर आप 3 जा कर रहे हैं तो 36 और 4 जा कर रहे हैं तो 48 हो जा रहा है, मीन्स आपको क्या करना है, 48 ज्यादा हो जा रहा है 46 से, तो आपको 3 जा करना है, आपको यहाँ पे 3 लिखना है जिस, ठीक है। और आपको यहाँ पे सिंपल, अब 36 हो रहा है ना 12 3 जा, तो आपको यहाँ पे लिख देना 36। अब आप क्या करेंगे सेकेंड स्टेप में, 46 और ये 36 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 6 में से 6 माइनस हुआ 0, 4 में से 3 माइनस हुआ 1। अब यहाँ पे कौन सा नंबर बचा, यहाँ पे देखिए अब 4 बचा, 46 तो और 4 तो हमने देख लिया। अब यहाँ का जो ये नंबर है आप उसको यहाँ सिंपल उतार लेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे 4, ओके। और आप उसी तरह से फिर से टेबल पढ़ेंगे, चलिए पढ़ते हैं। 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, 12 9 108। तो 12 8 96 हो रहा है, 12 9 108 हो रहा है। तो अगर 8 जा कर रहे हैं तो कम हो रहा है और 9 जा कर दे रहे हैं तो ज्यादा हो जा रहा है, तो आपको क्या करना है, 8 जा ही करना है, ज्यादा आप नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से 12 8 96 यहाँ पे आप इसे लिख देंगे, ठीक है। अगर आपको टेबल नहीं याद है तो ऐसे जैसे आपका 12 आप ऐसे थोड़ा सा हल्का इस तरह से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, जैसे 8 2 16 का 1 कैरी हो गया, 8 1 8, ठीक है, और 9 ये ऐड करिए तो 96। इस तरह से भी आप, अगर नहीं टेबल याद है 12 13 या किसी का भी, तो आप इस तरह से मल्टीप्लाई के थ्रू भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया 12 8 96। अब आपको क्या करना है, इसमें से माइनस कर देना है, तो माइनस करेंगे 104 में से माइनस 96 करेंगे, कैसे होगा, 4 में से 6 माइनस करना है फर्स्ट, तो 4 से माइनस नहीं होगा, यहाँ से कैरी लेंगे 14 हो जाएगा, ठीक है। तो 14 से 6 माइनस होगा तो लेफ्ट क्या होगा, 8, ओके। और 10 में से 9 हो गया, 9 माइनस 9 0, तो यहाँ पे ये जो 8 आया इसे क्या कहते हैं, हम रिमाइंडर कहते हैं, ठीक है। और ये जो आंसर आ गया यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं क्यूटेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं डिवीजर और इसको बोलते हैं डिविडेंड। जिस नंबर से डिवाइड करना उसको डिवीजर, जिस नंबर में डिवाइड करना वो उसको कहते हैं 464। डिवाइड करने पे ये जो नंबर आता है इसको बोलते हैं क्यूटेंट, और जो यहाँ पे लेफ्ट रहता है नंबर उसे बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 7294 डिवाइडेड बाई 13, सेम इसी तरह से आप लिखेंगे 13 यहां लिखेंगे आप, ठीक है, और यहां पे लिखेंगे 7294। 2 डिजिट का नंबर है, आप सीधे यहां पे 2 डिजिट देखेंगे, तो ये 72 है, ये 13। अब आपको टेबल पढ़ना इस तरह से 13 का, कि या तो 72 एग्जैक्ट है या उससे कम है, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। तो 13 टेबल इस तरह से आप मेरे साथ पढ़िए, 13 1 13, 13 2 26, 13 3 39, 13 4 52, 13 5 65, 13 6 78। तो अगर 5 जा कर रहे हैं तो 65 और 6 जा कर रहे हैं 78, तो 6 जा ज्यादा हो जा रहा है, तो आपको क्या करना है, 5 जा ही करना है, 13 5 65, आप यहाँ पे 65 लिख देंगे, ओके। अब क्या करना है, ये माइनस कर देना है, तो ये 2 है, 1 कैरी कर लेंगे, 12 12 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 7,
और यहाँ पे 6 माइनस 6 जीरो हो गया। अब आपका यहाँ से क्या करना है, नेक्स्ट नंबर जो है यहाँ से नीचे उतार ले लेना, ये हो गया यहाँ पे 9 यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। और फिर उसी तरह से सेम प्रोसेस है, आपको टेबल पढ़ना है, ठीक है। तो अब ये है 12 का टेबल, अभी आपने पढ़ा था 13 का पढ़ा था, 13 5 जा क्या था 65, 13 6 जा 78, तो 78 अगर आप करेंगे तो ये 79 से कम होगा, और अगर 13 7 जा कर रहे हैं 91 हो जा रहा है, तो मतलब आपको क्या करना है 13 6 जा करना है, 13 6 जा 78, ओके। आप यहाँ पे 8 माइनस इसी तरह से सेम करेंगे, 79 में से 78 माइनस होगा 1 होगा, ये 9 माइनस 8 1 हुआ, ठीक है। 7 माइनस 7 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिए कौन सा नंबर बचा, यहाँ पे अब बचा है 4, ओके। तो अब आपको 4 यहाँ से यहाँ पे ले लेना है, आप इस तरह से यहाँ 4 ले लेंगे और फिर से सेम टेबल पढ़ेंगे, तो 13 13 13 2 26 हो जाएगा। मीन्स अगर 2 आप कर रहे हैं तो ये यहाँ पे ये 14 है, इससे ज्यादा हो जा रहा है, मीन्स आपको 1 ही करना है, तो यहाँ पे आप 1 लिखेंगे, ठीक है। 13 1 13 माइनस कर देंगे, 14 माइनस 13 क्या होगा 1, ओके। तो ये इसका रिमाइंडर हो जाएगा और इसका आंसर ये जो क्यूटेंट है ये क्या है 561 हो जाएगा। तो ये मैंने अभी आपको बिना पॉइंट वाले नंबरों को डिवाइड करना सिखाया, आगे में मैं इसके आगे जैसे पॉइंट लगा के किस तरह से डिवाइड किया जाएगा वो भी एक्सप्लेन करूंगी, ओके। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बच्चों।